सो उस एनालिसिस के बेसिस मैंने यहाँ ट्रेड पंचअप किया, वो आपको दिखाता हूँ कैसा ट्रेड। ये देखो यहाँ से एक डाउन मूव आ रहा था और ये मैंने यहाँ पर लगा है फिर निफ्टी। देखो मार्केट ने सेम एज मूव किया, एज एक्सपेक्टेड था कि हाँ ये पैटर्न बनने के बाद। सो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग, आए हो आप काफ़ी अच्छे होंगे। और आज है मंडे और मंडे के दिन अपन करते हैं ट्रेडिंग। ट्रेडिंग से पहले अपने को जाना है जिम और करना है जबरदस्त ट्रेडिंग, क्योंकि सैटरडे और संडे बहुत हमने कर रखा है, बचा बचा खा रखा है, उल्टा सीधा खा रखा, तो भाई उसको निकालना तो पड़ेगा। सो उससे पहले मुझे अपनी बाज में लेके जा रहा हूँ बाइक, और इसको सबसे पहले बाहर निकालना पड़ेगा। आज हमारे अपने यहाँ पर बहुत गाड़ियाँ खड़ी हैं भाई, मुदा भी अपने आए हुए हैं, तो इसको निकालते हैं पहले बाहर। अब मेरी फट चुकी है बहुत अच्छे तरीके से, अब मैं खेलने जा रहा हूँ टेबल टेनिस। सो गाइस ट्रेड अपना यहाँ पे फर्स्ट एड पंचअप हुआ है। मैं आपको जैसे बोला हूँ कि यार अपन मार्केट खुल गया तो नहाना धोना खाना पीना सब ऐसे कैसे आया था, जिम भी किया मैंने जस्ट, उसके बाद आके यहाँ प्रोटीन पिया, मैं प्लान करा था ब्रश किया, मैंने सोचा था नहा लूँ लेकिन मार्केट हो गया ओपन। मार्केट ओपन होने के बाद मैं एज ए स्कैल्पर मेरे को चाहिए फर्स्ट मॉर्निंग में फर्स्ट मूव चाहिए जिसको मुझे कैप्चर करना है, तो वो मूव को मैं कैप्चर करने की प्लानिंग कर रहा था। बट उससे पहले एक मैंने ट्रेड प्लान किया था, वो ट्रेड कैसे प्लान किया वो मैंने अपना एक जो अपना जो एक काफ़ी टाइम से मेरे साथ काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं मेंटर, उनको एक एनालिसिस दिया था कि यहाँ पे अभी ये हो सकता है, वो एनालिसिस आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। सो उस एनालिसिस के बेसिस मैंने यहाँ पर ट्रेड पंचअप किया, वो आपको दिखाता हूँ कैसे ट्रेड। ये देखो यहाँ से एक डाउन मूव आ रहा था और ये मैंने यहाँ पर लगा है फिर निफ्टी के अंदर ट्रेड आपको दिखाता हूँ। तो ये एक रेंज बनाया, रेंज बनाने के बाद ये एक्सपेक्टेशन था कि ये यहाँ से एक ब्रेकआउट दे और फिर ये ट्रैप करते, या दूसरी चीज़ ब्रेकडाउन दे फिर ये ट्रैप करते। मैंने लास्ट वीडियो जो आपके लिए बनाया है, कभी भी हर एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन में ट्रेड नहीं करना है, खासकर पहला ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन में ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है, क्यों यहाँ पर ट्रैप हो लोग, क्योंकि यहाँ पर किसी को पता है कि वेट करेंगे पैटर्न बनना है, पहला ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होगा घुसेंगे लोग, सबके सब वेट कर रहे हैं यहाँ पर, तो वेट कर रहे हैं तो मार्केट वहाँ पर ट्रैप करने का वेट कर रहा है, ठीक है। वहीं आ जाते हैं मिड कैप में, तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ मिड कैप में अपने ट्रेड किया, क्योंकि मेजर ट्रेड मेरा यही था। और मिड कैप में सिंपल सा जैसे ही यहाँ हमारे पास ट्रैप बना फिर निफ्टी में, और वही निफ्टी का अगर आप चार्ट देखोगे तो निफ्टी में भी सेम चीज़ है, इसने भी ब्रेकडाउन जैसा दिखाया इस रेंज का, बट इसने भी घुमा दिया और बैंक निफ्टी ने घुमा दिया, तो फिर निफ्टी के अंदर अपन ट्रेड लेके यहाँ पर चले गए। और यहाँ पर देखो इस कैंडल के बाद सिर्फ दो कैंडल के अंदर प्रीमियम में अच्छा मूव, और जो अभी अपन आ चुके हैं नेट टू नेट हमारा शुरुआत हो चुकी है अराउंड 90 से, ये 1,14,15 चल रहा था, बट मिड कैप के अंदर थोड़ा सा मुझे प्रीमियम्स के अंदर वो नहीं दिख रहा है जो दिखना चाहिए, मतलब एक तरीके से जो एग्जिट वहाँ था तो स्लिपेज बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो 1,15,000 के अप्रोक्स चला था लाख रुपये के आसपास, तो मैं एग्जिट करने में ये मेरा दिक्कत आ गया, ठीक है, एग्जिट करने की वजह से। सो अभी जो अपना चल रहा अराउंड 96, देखो 11:39 अभी चल रहा है, तो फिर जो फिन निफ्टी की कॉल थी ये तो मैंने सुबह सुबह फ्लो में उठाया था पुट, ये जो फर्स्ट फ्लो है, उसके बाद जो फिन निफ्टी की कॉल थी वो देखो उसके अंदर, मतलब यहाँ पर जो फिन निफ्टी का कॉल उठाया था वो अभी मुझे और अच्छा प्रॉफिट दिया था, बट कोई दिक्कत नहीं क्योंकि फिन निफ्टी में मेरा लेट एंट्री हुआ था और इसमें मेरा टाइम पर एंट्री हुआ था तब मेरे को प्रॉफिट मिला, फिन निफ्टी में इस चलती हुई कैंडल पर एंट्री हुई थी मेरी, ये प्रॉब्लम हो गई, वरना अगर मैं यहाँ पर टाइम पर एंट्री करता तो ये मेरे को अच्छा खासा टारगेट दे जाता, बट अभी भी देखो प्रीमियम के अकॉर्डिंग मेरे को ऐसा लग रहा है अराउंड 2 के ऊपर मेरा प्रॉफिट पहुँचा होता जैसा भी मार्केट जा रहा है, बट इट्स ओके। अपन ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लेती हुई ये वाली कैंडल में अपन निकल गए थे, सेम यहाँ पर भी ये यहाँ से जो प्राइस कैंडल जो यहाँ से नीचे आए थे ये वाले कैंडल जो जी इस पर अपन निकल गए थे, तो रेजिस्टेंस भी है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर अपन निकल गए, तो 96 के अप्रॉक्स हमारा हो चुका है और यही मार्केट चल रहा है। वेट कर रहा था मैं ये मूवमेंट आए, वेट का मैं इसलिए बोला है भाई पेशेंस का गेम है, तो विदाउट पेशेंस मार्केट पर काम कर रहे हो तुम पैसा नहीं बना पाओगे। लास्ट वीडियो देखना, मैंने वहाँ पर जो वीकेंड में वीडियोज़ डालता हूँ लर्निंग वीडियोज़ में, आपको वहाँ पर बताया हुआ कैसे दिक्कत आदमी को आती है, कैसे मेजर लॉसेस होता है, 8 कॉमन मिस्टेक्स मैंने आपके लिए वहाँ पर डाली हुई हैं, तो उन 8 कॉमन मिस्टेक्स को अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल विजिट करिए, पूरा वो कॉमन मिस्टेक्स चेक कर लो कि यार एग्जैक्टली क्या होता है, ये सारी मिस्टेक्स, ये सारे मार्केट के अंदर जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, लॉसेज होते हैं, ये रीजन ये सिर्फ आपको एक जो ट्रेड करता है ना रोज अपना पैसा रोज लगा लगा के ट्रेड करता है वो ही बता सकता है, ये हवाबाजी करने वाले लोग नहीं बना सकते। और आप वेट करो, ठीक है, मेरे पास मेरा जो ऑडियंस बेस है जो मेरे को लोग देखते हैं सीखते हैं मोटिवेट हुए हैं सब कुछ है, ये कुछ लोग आके बीच में है ना सिर्फ कुछ चंद व्यूज़ के लिए चंद उसके लिए किसी का भी नाम उछाल के जो कर रहे हैं इसका रिप्लाई मैं फ्राइडे इवनिंग सभी के सभी रेडी रहो सब जवाब दिया जाएगा को सब रिस्पॉन्स किया जाएगा, मेरा साइड क्या है ये किसी को नहीं पता, मेरी साइड से क्या है क्या नहीं है, हर किसी को लग रहा है अच्छा ऐसा हो गया वैसा हो गया, क्योंकि
वही है ना, सबके सब एक वो बने, मीडियम बने पड़े बीच में, जो आ रहा है वो उठा के चैनल पे, वो उठा के चैनल पे। भाई ट्रेड करो ना यार, ट्रेड करो, अपना करो, अपना पैसा बनाओ, है ना। दूसरे के चेहरा यूज करके, दूसरे का नाम यूज करके तुम अपना घर चला रहे हो, अच्छी बात है, चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक बार अभी जॉब लेना, फ्राइडे को रेडी रहो, जॉब दिया जाएगा परफेक्ट तरीके से सब कुछ। क्योंकि यार इमीडिएट कोई जवाब देना, इमीडिएट किसी को कुछ बोलना, ये ठीक नहीं था। अब हम कोई फैक्स लेकर के मैनिपुलेट कर रहा है यहाँ अच्छे अच्छे सबको, तो वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो मेरी साइड से जवाब आना भी बाकी है। क्योंकि मेरी साइड तो किसी ने, आप लोगों ने सुनी नहीं ना, मैं तो, हम होता है ना, जब आप झुक जाओ, जब आप कह दो कि हाँ ठीक है, आपके वो किसी को कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करना, किसी को चांस नहीं करना, सॉरी बोल दो, तो सामने वाला कहता है हाँ हमने इसको डगमा दिया, हमने इसको हिला दिया, तो सामने वाले जो नया नया है वो भी चढ़ चढ़ के बोलने लगता है। तो चलो एक बार अब अपनी साइड से हम जवाब देंगे। तो फ्राइडे को इवनिंग में 8 बजे वीडियो आएगा, बड़ा मज़ा आएगा, बहुत तगड़ा मजा आने वाला है। फिर देखते हैं कि ट्रेडर कौन है, और असली जो इन्होंने एक वर्ड यूज़ किया है स्कैमर, स्कैमर का मतलब समझाएंगे, फिर उसके बाद फिर बताएंगे कि एग्जैक्ट स्कैमर कौन है, ठीक है। तो अभी अपना ट्रेड हो चुका है, अब मैं जा रहा हूँ नहाने धोने के लिए, हमने सुबह का वर्कआउट किया, तब से पसीना ऐसी है भाई, पूरा का पूरा पसीना ऐसी पड़ा हुआ है। तो अभी अपने नहाने धोने, अब नहाता धोता हूँ, क्योंकि अब मुझे सेटिस्फेक्शन मिला है, अपना ट्रेड एक हो चुका है। जो मैं प्लान कर रहा था, जो मैं वेट किया था, वो मैंने उस पर एग्जीक्यूट किया, अपना ट्रेड हो गया। अब हम चलते हैं नहाने धोने, फ्रेश होने, ब्रेकफास्ट करने, फिर हम अगला जो ट्रेड लेंगे वो लेंगे सेकंड हाफ में। सो गाइस, एज एक्सपेक्टेड, जो अपना मूव था, जो अपने प्लान किया था किस तरीके का मूव हमें निफ्टी निफ्टी दे सकता है, वैसे एक मूव फिर निफ्टी ने दिया। बट कंफर्मेशन के बाद ही ट्रेड होता है, तो अपन ने जो अपना मॉर्निंग में ट्रेड हो चुके थे, उसके बाद नहा धो लिया, ट्रेड करने के बाद नहा धो है। और वो आपको मैं बताता हूँ क्या था सेटअप, जैसे अपन ने प्लान किया था। देखो मार्केट ने सेम एज मूव किया, एज एक्सपेक्टेड था कि हाँ ये पैटर्न बनने के बाद एक पहले डाउन मूव देख ट्रैप करेगा, फिर इस तरीके का कुछ मूवमेंट हो सकता है। फर्स्ट ब्रेकडाउन में नहीं करना है ट्रेड, ब्रेकडाउन में ट्रैक किया हमने, इस पर ट्रेड पंचअप किए थे, है ना। फिर उसके बाद ये रेंज बनाया, रेंज का डाउनफॉल आया, डाउनफॉल के बाद एक कैंडल का लो लगाया, ठीक है। और इस मेजर कैंडल का लो ब्रेक होना जरूरी था, यहाँ पर डोजी बना, डोजी के बाद जैसी लो ब्रेक हुआ अपनी एंट्री हो गई। और क्वांटिटी इसलिए कम देखी थी क्योंकि ट्रैप कर रहा है, मतलब इसने इस साइड भी ट्रैप किया, फिर इस साइड भी ट्रैप किया, तो हाई प्रोबेबिलिटी वापस से ट्रैप कर सकता है। बट यहाँ पर कुछ रिस्क लेके अपने ट्रेड पंचअप किया, और 23,000 इस पर अपन ने बनाया, अराउंड 23 के अप्रॉक्स 27,000 कुछ बनाया, तो हमारे पास आ गया 20,450 की पी, अराउंड 27,000 का इसमें अपने पास प्रॉफिट हुआ। और ये देखो प्रीमियम का मूव, और ये कैंडलस्टिक्स देखो, तो ये चीज़ ऑब्जर्व करने वाला होता है, यही चीज़ आपको देखना है मार्केट में। तो 23,123 अराउंड प्रॉफिट हमारा हो चुका है। और अभी जो टाइम देख रहा है, ये हो रहा है अभी हमारे पास टाइम हो रहा है 2:03 और 2:03 2 PM कैंडल एक ऑलमोस्ट डेड हो चुकी है, कहाँ पे, सपोर्ट जोन पे। बाकी मिड कैप में भी अब इसके बाद ट्रेड नहीं लिया क्योंकि कैंडल अच्छी नहीं बन रही, ठीक है। इस तरीके की कैंडल चाहिए हमें ट्रेड करना होता है, स्कैल्प करना हमें ये कैंडल चाहिए होती है, इस तरीके कैंडल्स के बाद मूवमेंट आते हैं, लेकिन ऐसे कैंडल्स हमें नहीं चाहिए होती है, ठीक है। वही एक ट्रेड यहाँ पर भी था, बट ज़्यादा सपोर्ट है तो कहाँ तक लेके जाओगे, इसलिए यहाँ पर रिस्क था, तो इसलिए मैं यहाँ पर प्लान करा था बट नहीं लिया। और यहाँ पर अपन ने एक ट्रेड थे, ये प्लानिंग था, फर्स्ट ट्रेड हम लेंगे, फर्स्ट ब्रेकडाउन नहीं करेंगे, मूवमेंट पकड़ा, इधर ट्रैप बनाया, डाउन मूव आया, और जो एक्सपेक्टेड था वही हुआ, तो वहाँ पर ही अपन ने ट्रेड पकड़े, ठीक है। तो अभी तक के जो दो डायरेक्शन में कॉल साइड पुट साइड दोनों साइड अभी आज भी ट्रेड किया है, और हो चुका है डिसेंट, मतलब अच्छा ठीक प्रॉफिट, और नहा धो भी लिया, मतलब अब जाके इस ट्रेड के बाद मैंने नहाया था, फिर जाके मैं उसको अब कवर कर रहा हूँ आप लोग। बाकी पूरा प्लानिंग के साथ अगर आप काम करोगे, और आपके एज यू हैव प्लान्ड, आपको ट्रेड का डायरेक्शन मिल रहा है, ट्रेड आपको मिल रहा है, आप बनाओगे, है ना, कुछ नहीं तो 10-15% फिर भी ट्रेड वैसा आपका निकल जाए, ओके। बट ये है कि यार हाँ, आप जब ट्रेड लेने जा रहे हो तो भाई लॉस कितना लोगे वो देख लेना, यार वो प्लान नहीं होता था ना, और यहीं पे अगर कोई कैंडल घूम जाती है, यहाँ पर अपन ने ट्रेड लिया, अब यहीं से कैंडल घूम जाएगी तो इसके ऊपर अपने को निकलना पड़ेगा, एनी हाउ कट करना ही पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर अपन ने ट्रेड, अगर इसके नीचे कैंडल घूम जाती है, एनी हाउ हमें यहाँ पर निकलना पड़ेगा। तो ये चीज़ ऑब्जर्व करना होता है एज ए स्कैल्पर, है ना। आप परफेक्ट जगह पर एंट्री नहीं मिलती, परफेक्ट टाइमिंग पर आपको एंट्री नहीं मिलती, लेकिन अगर आपका सेटअप बनना है तो आप ट्रेड में एंटर करते हो, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस लेवल धीरे धीरे बिल्डअप होता है जब आपको एक्सपीरियंस होता है, ओके। तो अभी तक 2 बजे हैं, अभी तक का तो ये ट्रेड है, बाकी कोई ट्रेड अगर मेरा बनता है फिर मैं आपसे उस ट्रेड को हम कवर करेंगे, ओके। दोस्तों अभी अपन क्या बोलते हैं, ट्रेड वेड ओपन हो गया था, थोड़ा सा रेडियो के रूम से बाहर निकल के मार्केट की तरफ जाया जाता है, और थोड़ा मार्केट घूम के, मतलब मार्केट घूमना नहीं मेरा होता है, गाड़ी निकालो, राउंड मार के आओ, वापस घर पर आ जाओ, है ना। क्योंकि जैसे अपन पहले उधर रहते थे अपना गांव की साइड, उधर मज़ा आता था, मतलब उधर फील आता था, इधर भाई तुम गाड़ी निकालोगे यार, ऐसे शहर में यही होता है, तुम गाड़ी एक बार तुमने गाड़ी बाहर निकाली, तुम्हारा 10 मिनट का जहाँ पर काम होगा वहाँ पर तुम्हें 1 घंटा लगता है, तो फिर मज़ा नहीं आता, वो फील नहीं आता है, ठीक है। बट क्या करें, काम तो काम है, करने के लिए जाना ही पड़ेगा। बाकी आज का जो अपना ट्रेड था मैंने आपके साथ शेयर किया पूरा एनालिसिस, और मैंने जो अपना निफ्टी और मिड कैप दोनों में सी पी दोनों साइड ट्रेड किया,
ठीक है, तो आई होप आपको मेरा ट्रेड के लॉजिक समझ में आएगा, किस बेसिस पे ट्रेड लिए थे, कैसे लिए थे। बाकी मैं स्कैल्प पर हूँ, ठीक है, तो एज ए स्कैल्प पर मैं स्कैल्प ही करता हूँ, मैं ज़्यादा बड़ा पूरा ऐसा होल्ड नहीं करता। मेरे को मूवमेंट चाहिए होता, मेरे को स्पीड चाहिए, मूवमेंट चाहिए, मिलेगा मैं घुसूंगा, नहीं मिलेगा मैं बैठे रहूँ, ठीक है। और ये और जैसे जैसे अपन ट्रेड करते आ रहे, वैसे वैसे मुझे अपना ट्रेडिंग में ये भी चीज़ दिखता है कि हाँ अपना जो ट्रेड हो रहे हैं, पेशेंस बैठने वाला जो होता है ना, पेशेंस मतलब धीरे धीरे बिल्डअप हो रहा है, और अच्छा बिल्डअप हो रहा है। पहले नहीं होता था, पहले मतलब थोड़ा सा मैं खच्चर बच्चा बहुत ज़्यादा ट्रेड लेता था। अभी मैं अगर ट्रेड लेता तो दो स्ट्राइक पैसे एक ही साथ उठा दो, नहीं ले रहा हूँ तो एक नहीं ले रहा हूँ, ये वाला सिस्टम चल रहा है ना। तो ज़्यादा ट्रेड नहीं ले रहे हूँ, नहीं मतलब करता हूँ अभी मैं, और पेशेंस लेवल थोड़ा सा बिल्डअप हो रहा है। मार्केट आई थिंक मार्केट का जो कंडीशन चल रहा है, रेंज में फंसा फंसा के फिर जाके मूवमेंट देता है, वो ही आई थिंक वो पेशेंस लेवल बिल्डअप कर पा रहा है, बट इट्स ओके। तो बाकी अपना एक जो काफ़ी मेरा साइड, काफ़ी लोग मेरे जो क्या होते हैं इंस्टाग्राम यूट्यूब सभी को मेरी साइड वाली चीज़ें सुननी है, तो रेडी रहो, अब तो कुछ फटेगा। और फ्राइडे को रात को 8 बजे आपको वीडियो मिल जाएगा, फिर उसके बाद मंडे से जो मैं एक प्लान करता हूँ जो चीज़ करने वाला, शायद ही ट्रेडिंग कम्युनिटी मैंने ना को किया होगा, करेगा तो कुछ नहीं, हम आगे नहीं बता सकते, शायद नहीं किया, कोई नहीं किया होगा वो चीज़, वो अपन प्लान कर रहे हैं यहाँ पे मंडे से। तो स्टे ट्यून्ड, बाकी जुड़े रहो, बाकी ब्लॉग्स देखते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और सीखने वाले ऐप में आके ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं, सीख सकते हैं। और उससे पहले फ्राइडे को एक जो अपन वीडियो डालने वाले हैं वो क्या बोलते हैं, उसके लिए आप रेडी रहो, ठीक है। बाकी कमेंट जरूर कर देना अगर आप ट्रेड करते हो, किस तरीके का अभी के मार्केट में आप कैसे आप ट्रेड होते हो, और कितने मतलब जो आपका जो एक होता ना ब्रोकरेज, जैसे पहले और पहले के ब्रोकरेज में अभी के ब्रोकरेज में कंपैरिजन चेक कर लेना जरूर एक बार भाई, ठीक है। रिटेल ट्रेडर है हम लोग, अपन ऐसा कुछ नहीं है कि यार हम कोई इंस्टीट्यूशन बड़े हजार हजार फंड से कर रहे हैं, हमारे पास भी उतना ही फंड है, ओके। तो एक बार चेक कर लेना कि भाई तुम एक हफ्ते में ब्रोकरेज कितना दे रहे हो, जितने चार्जेस दे रहे हो, किसको फायदा हो रहा है, कुल मिला के किसको फायदा हो रहा है, ये सब चेक कर लेना, ठीक है। जब से 6 के 6 दिन या 5 के 5 दिन एक्सपायरी आई है तो मैं खुद पता चल जाएगा कुल मिला के भाई यहाँ नुकसान किसका है, ओके। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।